सखियों को लेकर के गिरजा मैया के मंदिर में आ जाते हैं। मेरी माताओं जैसे ही रुक्मणी आई हैं, पूजा की है, पूजन जैसे ही किया, पूजन करे घर चले दई और ले गिरजा आशीष, रुके मेरी चिंता छोड़ दे तो ये पति मिले जगदीश। आज देखिए जो शरबत पी रहे हैं वो अपने अपने पास गिलास रखें, दोबारा उन्हीं गिलासों में आप लोग पी सकें। मेरी माताओं आज रुक्मणी जैसे ही चली हैं, भगवान कन्हैया का रथ गिरजा मैया के मंदिर के पीछे था, आज उन्होंने रथ सामने खड़ा कर दिया। और देखिए नौ से सखियां ही साथ में थी, भगवान ने विचार कियो सब एक जैसी लग रही हैं, हम पहचान वही में ना आ रही रुक्मणी कौन सी है। और ये रुक्मणी ने विचार कियो कहूं ऐसो न होए हमारे धोखे हमारी कहू सहेली को न डर ले जाए कन्हैया। तो रुक्मणी के जहाँ हाथ में कंगन बंधो हतो ना, वो ही हाथ उठा के गल लगी, ए बेना ये फौजी किसकी है? दंत भक्त की। ये फौजी ससुराल की। वो फौजी क्या है भैया रुक्मणी की? भगवान कन्हैया ने जैसे कंगन बंधो देखो समझ गए जे छमक चल लो। आज भगवान प्रसन्न हो गए रुक्मणी को देख करके, रे भैया कितनी सुंदर है रुक्मणी, कैसी सुंदरता है, अरे हर सिंध मन में समरिया जब रूप देखो, रुक्मणी के रूप को देखा प्रसन्न हो गए, धन्य हो रुक्मणी। बड़ा प्रसन्न हुए हैं कन्हैया। और ये 101 रुपए राजेश भैया की तरफ से आए हैं, भगवान कन्हैया सुख शांति ज्ञान की वृद्धि दे। और इन भैया का नाम क्या था? राजपाल जी। और 101 रुपए राजपाल भैया जी की तरफ से आए हैं, बड़े ही श्रद्धालु भक्त हैं, बड़े ही पवित्र भाव हैं, भगवान कन्हैया ऐसे भक्तों के भंडार भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे माताओं और 100 रुपए राजपाल जी की तरफ से आए हैं जो सिंहपुर से पधारे हैं, बोलिए गोविंद भगवान की। मेरी माताओं आज रुक्मणी आगे बढ़ी हैं कन्हैया के रूप को देख करके। तो देखिए रुक्मणी ने प्रश्न किया, कहे आप ही हो कृष्ण? बोले हाँ। रुक्मणी कहने लगी, श्याम हमने सुना है आप बहुत अच्छी बंसी बजाते हो, बंसी